हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 में। और आज मंगलवार है, आज से आपका नया टॉपिक स्टार्ट होगा जिसमें आपको टॉप 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे। आज मंगलवार है, आज से आपका टॉप 1000 क्वेश्चन कराया जाएगा। हर सेट में आपका 30 क्वेश्चन कराया जाएगा, 30 क्वेश्चन हर सेट में आज 30 क्वेश्चन कराया जाएगा। आज सेट वन है, आज मंगलवार है। और नेक्स्ट वीक से आपका मंडे टू थर्सडे सोमवार से लेकर गुरुवार तक आपका सेट चलेगा। ठीक है, आपका सेट चलेगा जिसमें हर सेट में 30 क्वेश्चन होंगे। और शुक्रवार और शनिवार आपका थ्योरी क्लास चलेगा, जो डाउट क्लास होगा। ये दो दिन आपका डाउट क्लास चलेगा, शुक्रवार और शनिवार, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, और मंडे से थर्सडे आपका सेट चलेगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्योरी क्लास अभी बहुत थ्योरी क्लास मैक्सिमम हो गया है। ठीक है, और जो बाकी है जैसे मोशन हुआ, लेंस हुआ, ये सब बाकी है, तो ये सब आपका फ्राइडे सैटरडे चलेगा। और जिसके बाद अगले सप्ताह यानी मंडे से आपका मंडे टू थर्सडे क्या चलेगा, सेट चलेगा जिसमें हर सेट में 30 क्वेश्चन होंगे। और इस वीक, आज मंगलवार है तो सोमवार को आपका क्लास आया होगा वर्क पावर एनर्जी का, आप लोगों ने देखा ही होगा वर्क पावर एनर्जी का 30 MCQ। टॉप 1000 क्वेश्चन कराए जाएंगे आज से, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, सब RRB में आया हुआ क्वेश्चन है। अगर आप इतना क्वेश्चन करके जाते हैं टॉप 1000 क्वेश्चन, तो इतना तो कंफर्म हो जाए कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ जाएगा। और बहुत इजी वे से आप क्वेश्चन कर पाएंगे, बहुत इजी तरीका से। इतना साइंस का क्वेश्चन कराने के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल जरूर बढ़ेगा। और इसमें सेट में सबसे अच्छा बात क्या है कि आपको अल्टरनेट करके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो का क्वेश्चन मिलेगा। आपको इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों का क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये तीनों का क्वेश्चन आपको मिलेगा अल्टरनेट करके। पहले फिजिक्स आएगा, फिर केमिस्ट्री आएगा, फिर बायो आएगा, ऐसे करके आपका क्वेश्चन मिलेगा। तो जितना भी क्वेश्चन आएगा बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे रेलवे में आए हुए हैं। इसमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है, खास बात क्या है, रेलवे में क्या होता है, जो क्वेश्चन होता है वो आपका टॉपिक वाइज नहीं होता है कि पहले साइंस होगा, फिर मैथ होगा, फिर रीजनिंग, ऐसा नहीं होता है, अल्टरनेट होता है। कभी भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, मैथ के बाद रीजनिंग आ सकता है, साइंस आ सकता है। तो साइंस का क्वेश्चन आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों एक साथ कराया जा रहा है ताकि आप कोई भी क्वेश्चन आराम से करें। और हाँ, ये जितना भी क्वेश्चन कराया जा रहा है सब वन लाइनर क्वेश्चन है। ठीक है, एक लाइन का क्वेश्चन है, वन लाइनर क्वेश्चन है, बहुत इजी है। हर क्वेश्चन को कम से कम 10 सेकंड के अंदर करने की कोशिश कीजिएगा, 10 सेकंड के अंदर, 10 से 15 सेकंड। अगर मान लिया जाए कि कोई क्वेश्चन है जिसमें न्यूमेरिकल आ गया, जिसमें कोई सवाल आ गया, तो उसमें 20 से 30 सेकंड आधा मिनट में लगेगा। अगर 30 मिनट भी लग जाता है न्यूमेरिकल वाला सवाल में तो कोई बात नहीं है, लेकिन न्यूमेरिकल को छोड़कर जितने भी सारे क्वेश्चन आएंगे सबको 10 सेकंड के अंदर करना है, 10 से 15 सेकंड, इससे भी कम समय में आप कर सकते हैं। तो ट्राई कीजिएगा कि एक मिनट में 3 से 4 क्वेश्चन कर पाए। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइएगा क्योंकि आपका नया सीजन स्टार्ट होने वाला है। टॉप 1000 क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का सेट क्या है, पहला है, आज सेट वन है, तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है। और हाँ, अपने आप को जज करते रहिएगा, पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए। आज 30 में से कम आपको 25 प्लस सही करना है, 30 में से आपको 25 प्लस सही करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। और ये जितने भी सारे क्वेश्चन है रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आज का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इज रिलेटेड टू, थर्मोडायनेमिक्स का पहला नियम किससे रिलेटेड है। ऑप्शन क्या दिया, चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी एंड न्यूटन कूलिंग लॉ। चार्ल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, ऊर्जा संरक्षण और न्यूटन का शीतलन नियम, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। और हाँ, 10 सेकंड के अंदर, 5 से 10 सेकंड का अंदर आंसर देने का कोशिश कीजिए आपका, 5 से 10 सेकंड के अंदर, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब क्वेश्चन में क्या होता है आपका,
डायरेक्ट याद होगा, क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए कॉन्सेप्ट के साथ, तो इसको आप टिक आउट कर सकते हैं, इसमें कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। अगर न्यूमेरिकल आएगा तो 10 से 20 सेकंड एक्स्ट्रा लगता है तो कोई बात नहीं है, लेकिन ये सब क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 5 सेकंड से 10 सेकंड के अंदर करना है और 1 मिनट में 4 से 5 क्वेश्चन करना पड़ेगा आपको। तो पहला क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या होगा, कमेंट करें। ए नहीं होगा, चार्ज तो नहीं होगा, कमेंट करते रहिएगा, गलत होता कोई बात नहीं। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्या होगा इसका आंसर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, ऊर्जा संरक्षण, ठीक है। इसका आंसर सी होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ इसका पीडीएफ आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा, वहाँ से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, और नोट करते रहिएगा जो भी डाउट हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, न्यूक्लियोटाइड्स हैव सेम एटॉमिक नंबर, समान परमाणु संख्या को क्या कहते हैं। बिना ऑप्शन पढ़े आप इसका आंसर दे सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, आइसोटॉप्स होगा, क्या होगा, आइसोटॉप्स, आइसोटॉप्स। इसका आंसर क्या होगा, आइसोटॉप्स बी होगा इसका आंसर। अगर जैसे मान लिया जाए दो एटम है, ठीक है, ए है और बी है, हमारा दो एटम में एटॉमिक नंबर मतलब परमाणु संख्या, परमाणु संख्या समान हो तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, आइसोटॉप्स कहते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज स्पंज, स्पंज क्या है, ये सर आपको कराए थे पिछला दिन, स्पंज क्या है कमेंट करें, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये वीडियो में कराया गया है सर के क्लास में, पिछला क्लास में कराया गया था, स्पंज क्या है, क्या होगा इसका आंसर, ए जीवाश्म, जानवर, पौधा, कवक, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करते रहिएगा। और हाँ गलत सही जो भी, लेकिन कमेंट जरूर करें और 10 सेकंड के अंदर आंसर देने का कोशिश करें, बहुत इजी क्वेश्चन है। क्या होगा इसका आंसर, एनिमल होगा, क्या होगा, एन एनिमल, एनिमल जानवर है, क्या है जानवर, ये क्या कौन सा जानवर है, एक्वाटिक जानवर है, पानी में पाया जाने वाला एक्वाटिक जानवर, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, एन एनिमल होगा, जानवर होगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, एन एनिमल। स्पंज हमारा क्या है, एन एनिमल, पानी में पाया जाने वाला जानवर है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई व्हाइट क्लॉथ्स आर कूलर एज कंपेयर टू ब्लैक क्लॉथ्स, ठीक है ना, इसको हिंदी में ट्रांसलेट नहीं किया गया है तो समझा दे रहा हूँ क्या होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जो सफ़ेद कपड़ा होता है, सफ़ेद कपड़ा, सफ़ेद कपड़ा वाइट क्लॉथ, वो आपका ब्लैक क्लॉथ के तुलना में ठंडा क्यों होता है, ब्लैक क्लॉथ, इस ये सब आपने पढ़ा ही होगा बहुत पहले, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया है, दे एब्जॉर्ब होल लाइट, ये पूरे लाइट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ऑप्शन दूसरा क्या है, दे रिफ्लेक्ट होल लाइट, पेनिट्रेशन ऑफ लाइट डज नॉट ऑकर, मेक्स द सन लाइट कंप्लीटली कूल। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, पहला बात अगर मान लिया जाए कि सफ़ेद कपड़ा अगर लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो लाइट क्या होता है, हीट होता है, उसमें गर्मी होता है, उष्मा होता है, तो जब हीट एब्जॉर्ब करेगा तो सादा कपड़ा क्या होगा, और गर्मी देगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्या करता है व्हाइट क्लॉथ, क्या करता है आपका हीट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। जिसे मान लिया जाए ये कोई कपड़ा है, इसमें लाइट आता है तो क्या होता है, ये रिफ्लेक्ट हो जाता है, ठीक है, ये क्या होता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका ऑप्शन बी होगा, दे रिफ्लेक्ट होल लाइट, ऑप्शन बी होगा, दे रिफ्लेक्ट होल लाइट, होल लाइट, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किसका मान, द्रव्यमान अधिक होता है, तो बिना ऑप्शन देके इसका आंसर दे सकते हैं, किसका होगा, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसका होता है सबसे ज़्यादा मास, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करते रहिएगा, क्या होगा, हाँ ठीक है न्यूट्रॉन होगा, प्रोटॉन नहीं होगा, ठीक है न्यूट्रॉन होगा, न्यूट्रॉन। गलत सही जो भी कमेंट करते रहिए, इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। सबसे ज़्यादा मास किसका होता है, न्यूट्रॉन का होता है, इसका ऑप्शन क्या है, सी, इसका आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। सबसे ज़्यादा मास इसका होता है, उसके बाद किसका आता है, प्रोटॉन का आता है, फिर उसके बाद कौन आता है, इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। ये आपको जब परमाणु संरचना क्लास दिया जाएगा, एटॉमिक स्ट्रक्चर परमाणु संरचना क्लास भी दिया जाएगा, तो उसमें आपको क्या सब ये सब डिटेल में पढ़ा दिया जाएगा कि किसका मास क्या है, घनत्व तो कितना है, आयतन कितना होता है, ये सब आपको बता दिया जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर क्या होगा, न्यूट्रॉन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ 10 से 15 सेकेंड, ये सब बहुत इजी क्वेश्चन है, 10 से 15 सेकेंड का टाइम इनफ होता है इस क्वेश्चन के लिए। एग्जाम में क्या होता है, मैथ में और रीजनिंग में आपको टाइम लगता है क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन जनरल साइंस में और जीके में क्या होता है, जो आता है वो उसको आप आराम से टिक कर सकते हैं 10 सेकंड के अंदर, 5 सेकंड के अंदर, और जो नहीं आता है तो वो आपको समझ में नहीं आएगा। तो साइंस में आपको कॉन्सेप्ट भी समझना है और क्वेश्चन भी बहुत जल्दी बनाना है 5 से 10 सेकंड के अंदर। इसका आंसर क्या होगा, ये क्वेश्चन कराया गया है फॉर्मिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाई, ये एसिड बेस में कराया गया था, क्या होगा इसका आंसर, फॉर्मिक एसिड कहाँ से पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड कहाँ से पाया जाता है, ये क्वेश्चन आपको कराया गया था एसिड बेस में। इसका आंसर क्या होगा, एंट होगा, रेड एंट्स, ठीक है। यहां पे क्या होगा, लाल चींटी, रेड एंट्स होगा आपका आंसर, इसका ऑप्शन बी होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी है, पृथ्वी क्या है आपका, ऑप्शन क्या दिया है, गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, बैड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, बैड ऑब्जर्वर ऑफ हीट एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट, गुड ऑब्जर्वर ऑफ हीट एंड बैड रेडिएटर ऑफ हीट, चार ऑप्शन दिया गया है, इसका आंसर क्या होगा आपका, कमेंट करता रहिएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, पृथ्वी हमारा क्या है, बैड रेडिएटर है, और क्या है आपका, और क्या है, बैड, क्या लिखा है, बैड ऑब्जर्वर ऑफ हीट, पृथ्वी हमारा क्या है, अर्थ, बैड रेडिएटर है, और क्या है, बैड ऑब्जर्वर, और इसका ऑप्शन सी होगा। हिंदी में क्या होगा इसका, गर्मी का बुरा अवशोषक और गर्मी का खराब रेडिएटर, मतलब ये क्या करता है, हीट रेडिएट नहीं करता और ना ही ऑब्जर्व करता है, इसका आंसर सी होगा, 7 का सी। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, ये भी आप बिना ऑप्शन देखे बता सकते हैं, क्या होगा इसका आंसर, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 20, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा, 2, 8, 8, फिर 2, ऑप्शन कितना है, बी, इसका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी सच्ची मछली है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू फिश, क्या होगा इसका आंसर, सिल्वर फिश, डॉग फिश, स्टार फिश, कटल फिश, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, डॉग फिश होगा, डॉग फिश, डॉग फिश क्या होगा, ट्रू फिश, इसको क्या कहा था, ट्रू फिश, इनमें से चारों में से आपका यही एक क्या होता है, फिश होता है, बाकी कोई फिश नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लाइट कंस्टिट्यूएंट द कलर्स, अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग हो गया है, ठीक है, क्वेश्चन में फॉल्ट है, क्वेश्चन को समझिएगा अच्छा से, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक लाइट में आपका कितना कलर होता है, एक लाइट में आपका कितना कलर होता है, जैसे जो रोशनी होता है लाइट रे, इसमें कितने कलर आपके होते हैं, तो ये सब क्वेश्चन आपने पढ़ा ही होगा बहुत पहले, हम लोग विवजियोर करके कहते हैं, विवजियोर बोला जाता है, क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, कितने कलर आए, 7 कलर, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा इसका आंसर। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एक किरण में या तो एक लाइट में कितने कलर होते हैं, अगर उसका विक्षेपण किया जाएगा तो कितने कलर होंगे, 7 कलर होंगे, अगर जैसे मान लिया जाए एक प्रिज्म है, ठीक है, इसमें आपको लाइट दिया जा रहा है, तो कितने कलर बाहर निकलेंगे, 7 कलर बाहर निकलेंगे। वर्ण विक्षेपण किया जाता है तो कितना कलर बाहर निकलता है, 7 कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका थ्योरी क्लास में हुआ था, जब सेट कराया जाता था मेटल नॉन मेटल का, तो उसमें आपका ये क्वेश्चन कराया गया था, क्या होगा इसके आंसर, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन सिल्वर, इनमें से कौन सा सिल्वर कंटेन नहीं करता है, तो रूबी सिल्वर, जर्मन सिल्वर, हॉर्न सिल्वर, लूनर सिल्वर, क्या होगा इसका आंसर। और हाँ, इसका जिसको इंग्लिश में प्रॉब्लम हो रहा है वो हिंदी में इसका नाम देख सकते हैं, रूबी चांदी, जर्मन सिल्वर, सिंह का चांदी और चंद्र चांदी, चंद्र रजत, क्या होगा इसका आंसर। ये क्वेश्चन भी आपको कराया गया था, जर्मन सिल्वर में क्या होता है आपका, जर्मन सिल्वर में क्या होता है आपका, सिल्वर 0% रहता है, ये क्वेश्चन भी कराया गया था, 0% रहता है, मतलब कि इसमें सिल्वर नहीं पाया जाता है,
ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एड्स का पूरा नाम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है, एड्स का पूरा नाम, एड्स का फुल फॉर्म पूछा है, तो बहुत लोगों को यहाँ पे प्रॉब्लम होता है एड्स का पूरा नाम में, ठीक है, तो एड्स का पूरा नाम क्या है, इसका पूरा नाम क्या, ऑप्शन क्या दिया है, कमेंट करते रहिएगा, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, ठीक है, इसका आंसर ये होगा, ऑप्शन कितना है, ऑप्शन सी है, इसका ऑप्शन क्या होगा, सी होगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, डिसेज नहीं होगा, डिफिशियंसी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्केव लेंस ऑलवेज फॉर्म, अवतल लेंस कौन सा इमेज बनाता है, रियल वर्चुअल बोथ या नॉट, क्या होगा इसका आंसर, ये सब आपको लेंस पर पढ़ाए, आप लोग पढ़े होंगे, क्या होगा इसके, क्या होगा इसके आंसर, अवतल लेंस, क्या पूछ रहा है, अवतल लेंस, अवतल लेंस, कॉन्केव लेंस, कॉन्केव लेंस में आपका कौन सा इमेज बनता है, वर्चुअल बनता है, ठीक है, वर्चुअल इमेज बनता है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा, कॉन्केव लेंस का ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा डिजाइन होता है कॉन्केव लेंस का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम, एल्यूमिनियम कहाँ से निकाला जाता है, ऑप्शन क्या दिया, माइका, कॉपर, गोल्ड, बॉक्साइड, ये भी क्वेश्चन आपको मेटल नॉन मेटल में कराया गया था, क्या होगा इसके आंसर, इसके आंसर क्या होगा, बिना ऑप्शन देकर बता सकते हैं, क्या होगा इसके आंसर, बॉक्साइड होगा, ये सब आपको क्वेश्चन कराया गया था कि नहीं कराया गया था, मेटल नॉन मेटल में जितने 75 क्वेश्चन आपको कराया गया था मेटल नॉन मेटल में, उस क्वेश्चन में से आपका ये क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है, जिन्होंने वीडियो देखा होगा 75 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए होंगे उन लोगों को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा, बॉक्साइड होगा, ऑप्शन क्या दिया है, डी, इसका आंसर क्या होगा, डी, बॉक्साइड, बॉक्साइड। और हाँ, वीडियो खत्म, क्लास खत्म होने के बाद आपको इसका PDF मिल जाएगा, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में, वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, लिंकेज की खोज किसने की थी, लिंकेज की खोज किसने किया था, ऑप्शन क्या दिया, मूलर, बैटसन, मॉर्गन, बिंग्सली, क्या होगा इसका आंसर, इसका आंसर बैटसन होगा, लिंकेज का खोज किसने किया था, बैटसन ने, ठीक है, इसका खोज किसने किया था, बैटसन ने, ऑप्शन क्या होगा इसका, बी होगा। बाहरी एटमॉस्फेयर में ओजन हमारी मदद करता है, ओजन लेयर, एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ओजन लेयर होता है, ओजन लेयर होता है, तो ये हमारा क्या करता है, बहुत मदद करता है, इसका रीजन क्या है, ये जो सूर्य से अल्ट्रा वायलेट रे आता है उसको क्या करता है, ये रोकता है, तो ऑप्शन क्या होगा इसका, इन एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रा वायलेट रे, सी होगा इसका, ऑप्शन क्या होगा, सी, ये क्या कर लेता है, सूर्य से जो जितना भी आपका अल्ट्रा वायलेट रे आ रहा है उसको क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, जो पृथ्वी में आने नहीं देता है, अभी बहुत ऐसा हो गया है, इसमें ओजन लेयर में क्या हो गया है, होल हो गया है, जिसके कारण अल्ट्रा वायलेट रे पृथ्वी में आ रहा है, बहुत सारा बीमारियां भी हो रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एब्जॉर्बिंग, एब्जॉर्बिंग द अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा वायलेट रे, इसके यूवी रे भी कहा जाता है, यूवी रे, अल्ट्रा वायलेट रे, इसका ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट, 18 कैरेट में गोल्ड का प्रतिशत कितना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया, 70%, 75%, 100% एंड 60%, इसका आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है। 18 कैरेट, यहाँ पे सोना को कैसे मापा जाता है, कैरेट से, तो 18 कैरेट में आपका क्या पूछ रहा है, कितना परसेंट सोना है, कितना परसेंट गोल्ड है, तो इसका आंसर क्या होगा, 75% होगा, ठीक है, इसका आंसर बी होगा। अब ऐसा नहीं कि 18% में 75% होगा गोल्ड, उसको रट ले, रटना नहीं है, इसका एक फार्मूला होता है, उसको नोट कर लीजिएगा, हमारा टोटल कितना होता है, 24 कैरेट होता है, ठीक है, 24 कैरेट ही हमारा 100% होता है, लेकिन दुकान में कितना मिलता है, 22 कैरेट का मिलता है, तो हमारा 24% 100% होता है, ठीक है, 24 कैरेट हमारा कितना होता है, 100%, कितना पूछा है, 18 कैरेट, तो 18 by 24 into 100 कितना होगा, 75% आएगा, तो जब भी आपको गोल्ड का प्रतिशत पूछा जाएगा कैरेट देकर, तो क्या कीजिएगा, यहाँ पे उसका वैल्यू पुट कीजिएगा और ये फॉर्मूला से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
डीएनए आरएनए से भिन्न होता है, डीएनए आरएनए से भिन्न होता है, कौन सा? एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थाइमिन। इसका आंसर क्या होगा? ये भी आपका पढ़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, इसका आंसर डी होगा। थाइमिन जो होता है आपका, क्या होता है वो वाला, आपका जो थाइमिन होता है वो क्या होता है, डीएनए में पाया जाता है लेकिन आरएनए में नहीं पाया जाता है, ठीक है, इसका आंसर डी होगा। सूरज से, सूरज की रोशनी लगभग पृथ्वी पर कितने समय में आती है? तो ये क्वेश्चन आपका क्या होता है, ये क्वेश्चन का आंसर भी सबको पता ही होगा, क्या होगा, 8 मिनट 22 सेकंड होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में आपका सेकंड नहीं दिया गया है, केवल मिनट दिया गया है, तो अप्रोक्स कितना होगा, 8 मिनट होगा इसका आंसर। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, धातु का राजा किसे कहा जाता है? यह भी आपको कराया गया है। रसायन का राजा किसे कहा जाता है? H2SO4 को। तो मेटल का राजा किसे कहा जाएगा? गोल्ड को। ये सब इजी क्वेश्चन है, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। ये क्या होता है, किंग ऑफ मेटल, किंग ऑफ मेटल। धातु का राजा किसे कहा जाता है? गोल्ड को। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीएनए में मौजूद शर्करा, डीएनए में पाया जाने वाला शुगर कौन सा होता है? पेंटोस, जाइलोस, हेक्सोस, हेप्टुलोस। क्या होगा इसका आंसर? डीएनए में पाया जाने वाला शुगर कौन सा होता है? पेंटोज होता है, ठीक है, पेंटोज। इसका स्ट्रक्चर कैसे होता है? ऐसा होता है, पेंटोज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। तो आपका क्या होगा इसका आंसर? ए होगा। डीएनए में पाया जाने वाला शुगर अगर पूछा जाए तो क्या होगा? पेंटोज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, निम्न में से किस में ध्वनि की गति सबसे अधिक होती है? तो ध्वनि का गति, स्पीड ऑफ साउंड, सबसे ज्यादा साउंड किस में होता है, सबसे ज्यादा स्पीड ऑफ साउंड? तो आपका क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया है, एयर, स्टील, वाटर, वैक्यूम। तो इसका आंसर क्या होगा, स्टील होगा, स्टील। स्टील में आपका क्या होगा, स्पीड का साउंड सबसे ज्यादा होगा। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा इसका आंसर। और हाँ, इसका भी आपका एक कॉन्सेप्ट है, सॉलिड में क्या होता है आपका, सबसे ज्यादा होता है स्पीड ऑफ साउंड, उसके बाद लिक्विड में आता है, उसके बाद गैस में आता है, ठीक है। इस ऑर्डर को आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है, क्या होगा, सॉलिड में सबसे ज्यादा आपका स्पीड ऑफ साउंड होता है, उसके बाद लिक्विड में आता है, उसके बाद गैस में आता है, और वैक्यूम में, वैक्यूम में क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड नहीं होता है। ये भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अगर क्वेश्चन आता है कि किसमें साउंड का स्पीड नहीं होता है, तो क्या होगा, वैक्यूम में होगा। अगर स्पेस में, जैसे स्पेस, इसमें स्पेस में आपका क्या है, वैक्यूम है, तो स्पेस में अगर किसी चीज़ का भी आवाज़ हो रहा है तो वो पृथ्वी तक नहीं आएगा, आवाज़ नहीं सुनाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक हीट। ये भी क्वेश्चन आपको हीट एंड टेम्परेचर में कराया गया था, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होगा, किसका होगा इसका आंसर, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है, वाटर का होता है, पानी का। ऑप्शन क्या दिया है, बी। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होगा आपका, पानी, और कितना होता है, ईसाई में बताया गया था 4200, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हाँ, ये सब क्वेश्चन आप 10 से 15 सेकंड में कीजिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, सारा क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में, और एग्जाम में आपको वही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होते हैं, नया क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, 1 से 2 क्वेश्चन नया होता है। मेन क्या होता है आपका, क्वेश्चन मॉडिफाई हो जाता है, क्वेश्चन क्या करता है, घुमा कर पूछ देता है, लेकिन क्वेश्चन आपका वही रहता है। क्रोमोजोम कंसिस्ट, क्रोमोजोम किससे मिलकर बना होता है, तो इसका आंसर क्या होगा, कमेंट करते रहिएगा, ये सब आपने बायोलॉजी में पढ़ा होगा, क्या होगा इसका आंसर, डीएनए एंड प्रोटीन। इसका आंसर क्या होगा, डीएनए एंड प्रोटीन होगा। क्रोमोजोम किससे मिलकर बना होता है, क्रोमोजोम इसका हिंदी में भी नाम क्या है, गुणसूत्र, ठीक है। क्रोमोजोम किससे मिलकर बना होता है, तो डीएनए और प्रोटीन से मिलकर बना होता है, इसको नोट कीजिएगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्स इज वर्चुअल फोर्स।
क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि इनमें से कौन सा फोर्स काल्पनिक फोर्स है। काल्पनिक, वर्चुअल का मतलब क्या होता है, काल्पनिक। तो कौन सा होगा इसका आंसर, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स और स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। केंद्र प्रसारक बल, ठीक है, केंद्र प्रसारक बल। ज्यादा कोशिश कीजिएगा इंग्लिश में नाम याद रखने का। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आपका क्या होगा, काल्पनिक होगा। इसे स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है, इसको भी नोट कर ले, स्यूडो, इसमें पी साइलेंट रहता है, ठीक है, स्यूडो फोर्स, इसको स्यूडो फोर्स भी कहा जाता है, इसी को स्यूडो फोर्स कहा जाता है, इसमें पी आपका साइलेंट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडा वाटर कंटेंट्स, ये भी इजी क्वेश्चन है। सोडा वाटर कंटेंट्स, सोडा वाटर में आपका क्या होता है, ऑप्शन क्या दिया है, NO2, SO2, CO2 एंड H2, क्या होगा इसके आंसर। सोडा वाटर में आपका कौन सा कंटेंट रहता है, और एक बात, इसमें सोडा नाम दिया है तो इसका मतलब ये नहीं कि NO2 होगा, ठीक है ना। क्या होगा इसका आंसर, सोडा वाटर में आपका CO2 रहता है, सोडा वाटर में आपका क्या रहता है, CO2। जब ये वाटर से रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है, H2CO3, इसी को हम लोग कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं। जब CO2 में हाई प्रेशर, हाई प्रेशर, उच्च दाब देकर CO2 को क्या किया जाता है, पानी से रिएक्शन कराया जाता है तो H2CO3 बनता है, इसी को हम लोग कोल्ड ड्रिंक कहते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस जानवर का जीवन काल सबसे लंबा होता है, तो क्या होगा इसके आंसर, ऑप्शन क्या दिया, एलिफेंट, क्रोकोडाइल, डॉग, टॉर्टोइस, कछुआ, क्या होगा इसके आंसर। ये भी आपने 9-10 में पढ़ा ही होगा, बहुत इजी क्वेश्चन, जितना क्वेश्चन आ रहा है ये सब क्या है आपका पहले का 9-10 का, 8-9-10 का क्वेश्चन है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे रिविजन का, क्लास से आपको रिविजन हो जाएगा और जितना भी क्वेश्चन कराया जाएगा टॉप 1000 क्वेश्चन, वो आपके बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर उतना क्वेश्चन कर लेंगे उसमें से कोशिश कीजिएगा 1000 क्वेश्चन में से आप लोग कोशिश कीजिएगा 900 प्लस क्वेश्चन टच करने का, करेक्ट करने का। अगर इतना कर लेंगे आप तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा, ठीक है, और एग्जाम में आप आराम से कर पाएंगे क्वेश्चन। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, कछुआ होगा, कछुआ। कछुआ जो होता है उसका जीवन काल क्या होता है, सबसे लंबा होता है, जीवन काल सबसे लंबा होता है, अधिक समय तक होता है। इसका आंसर क्या है, डी, टॉर्टोइस, या टर्टल भी बोल सकते हैं। इसका जीवन काल कितना होता है, 200 से 300 साल होता है, ईयर इतना होता है। और क्रोकोडाइल का कितना होता है, 100 साल होता है, 100 से 150 साल होता है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा, कछुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टील की गेंद में पदार्थ की मात्रा को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन में बहुत लोगों का कंफ्यूजन होता है कि मास और वेट क्या एक ही होता है, ये एक नहीं होता है, ठीक है। स्टील की गेंद में पदार्थ की मात्रा क्या होता है, वेट, डेंसिटी, मास, वॉल्यूम। तो इसका आंसर क्या होगा, बहुत लोगों को वेट और मास में ही कंफ्यूजन होगा, डेंसिटी वॉल्यूम तो नहीं होगा। तो इसमें क्या होता है, ये आपको पदार्थ में बताया गया है, सबसे मेरा पहला क्लास में भी आपको बता दिया गया था। जो मैटर होता है, मैटर, मैटर में आपका क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर, इसको अमाउंट ऑफ मैटर, कि कोई भी अगर बॉडी दिया गया है उसमें अमाउंट ऑफ मैटर क्या कहलाता है, मास कहलाता है, ठीक है, मास। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा, मास, मास यानी मात्रा। और वेट को क्या बोलते हैं, भार बोलते हैं, मास होगा, ठीक है, ये होगा, ये वेट नहीं होगा, वेट यानी भार, ये नहीं होगा। तो मात्रा और भार किसे कहा जाता है, ये बहुत अलग है। मास में अगर जी से गुना कर देंगे, अगर मान लो मास में हम लोग जी से गुना कर देंगे तब जाकर वेट बनेगा, ठीक है। तो मास हमारा क्या होता है, अमाउंट ऑफ मैटर होता है, कि किसी भी पदार्थ में कितना मैटर पाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बादलों का कोलाइडल है, बादल किससे मिलकर बना होता है। क्वेश्चन आपको यहाँ पर क्या किया है, डायरेक्ट नहीं पूछा गया है, कंफ्यूज कर दिया गया, घुमा दिया क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन को आप डायरेक्ट समझ सकते हैं, कोलाइडल का मतलब क्या होता है, घोल होता है। यहाँ पे आप डायरेक्ट समझ सकते हैं कि बादल किससे मिलकर बना है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा इसका आंसर, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ड्रॉप वाटर डिस्पर्स्ड इन एयर, इसका आंसर क्या होगा, ड्रॉप वाटर डिस्पर्स इन एयर। जैसा कि मान लिया जाए यह हमारा क्या है, एयर है, इसमें आपका क्या होता है, पानी का बूंद से क्या होता है, मिलकर आपका बादल बना होता है, ठीक है। तो इसका आंसर डी होगा, इसको नोट कर लीजिएगा। कोलाइडल मीन्स बोल सकते हैं सोल्यूशन, डीएनए इन ए सेल इज, ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये क्वेश्चन भी बहुत इजी क्वेश्चन है। डीएनए इन ए सेल इज, कौन सा सेल है डीएनए में पाया जाता है, तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्या दिया, कार्बोक्सिलिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, क्या होगा इसका आंसर, न्यूक्लिक एसिड, इसका आंसर क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड, ऑप्शन बी होगा। 30 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, बी। पर हाँ, जितना भी क्वेश्चन कराया गया है उसमें से आप जज कीजिएगा, अपने आप को जज कीजिएगा कि आप 25 क्वेश्चन सही कर पाए या उससे ज़्यादा या उससे कम, कोशिश कीजिएगा 25 प्लस करने का, क्योंकि आज का क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन था, और कल आपका फिर सेट टू आएगा, कल यानी बुधवार को आपका सेट टू आएगा, ठीक है ना, उस समय भी आप रेडी रहिएगा क्वेश्चन करने के लिए। जैसे जैसे सेट बढ़ेगा आपका क्वेश्चन अटेम्प्ट ज़्यादा होना चाहिए, आज सेट वन है कल सेट टू होगा, वैसे करके आपका जैसे जैसे सेट बढ़ेगा वैसे वैसे करेक्शन भी ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, सही होना चाहिए। और हाँ, इसका पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा।